सभी साथियों का मैं स्वागत करता हूं आरसीएम सक्सेस स्टोरीज की इस सीरीज में। और आज मैं कोई बहुत ज्यादा ज्ञान आपको नहीं दूंगा, प्रैक्टिकली मैं अपनी कहानी बताऊंगा। और मैं आपको ये बताऊंगा कि देखिए, मेरी कहानी से आप क्या सीखेंगे, क्या सीखेंगे तो शायद नहीं है, क्या आप ले सकते हैं आई डोंट नो, लेकिन आपने देखना है आप क्या लेंगे, लेंगे भी या नहीं लेंगे। मैं आपके लिए कुछ काम आने वाला हूँ अगले 40-45 मिनट, या आपका टाइम वेस्ट करने वाला हूँ आई डोंट नो, लेकिन हाँ मैं शेयर करूंगा और पूरे दिल से शेयर करूंगा वो सारी चीजें जो मेरे साथ में घटित हुई हैं। और भागवत जी का मैं धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने मुझे रियल डायमंड के रूप में मुझे बुलाया है। और अगर आप भी डायमंड बनना चाहते हैं आरसीएम बिजनेस में तो आपको क्या करना चाहिए, जो मैंने किया एक्चुअली, वो मैं आपको, वो भी मैं शेयर करूंगा। तो सबसे पहले मैं अपना परिचय देता हूं। मेरा नाम सुरेंद्र वत्स है और हरियाणा में एक छोटा सा गांव है, ऐंचा खुर्द, डिस्ट्रिक्ट जींद में आता है, वहां पे मेरा जन्म हुआ। बिल्कुल एक जो सामान्य परिवार रहता है, उस सामान्य परिवार में परवरिश हुई, एक मिडिल क्लास फैमिली का परिवार। मेरे पिताजी टीचर थे, माताजी गृहिणी थी, परिवार में 2 भाई और 3 बहनें। और जिस प्रकार एक मध्यम वर्गीय परिवार में बच्चों की परवरिश होती है, उसी प्रकार से हमारी परवरिश हुई। पिताजी ने बहुत अच्छे से, चूंकि वो खुद टीचर थे, इम्पोर्टेंस जानते थे पढ़ाई की क्या होती है, तो उन्होंने सबको अच्छी एजुकेशन दी। मैंने 1996 में देहली यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन किया, बीएड किया राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान से, और उसके बाद एक प्राइवेट टीचर के रूप में मैंने अपना करियर स्टार्ट किया, जहां पे मेरी 1 महीने की तनख्वाह मात्र 500 रुपया थी। 1 साल नौकरी की प्राइवेट स्कूल में, और 1 साल नौकरी करने के बाद एक बात मेरी समझ में बहुत अच्छे से आ गई, अगर मैंने कुछ बड़ा करना है, अपने सपनों को पूरे करना है, तो नौकरी से मेरे सपने पूरे नहीं हो सकते। मेरे सपनों की शुरुआत हुई जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था एमए में। तो हालांकि कॉलेज हम लोग बहुत ज्यादा नहीं जाते थे, लेकिन जब भी जाते थे, जो कॉलेज का माहौल था, यूनिवर्सिटी का जो माहौल था, तो वो बहुत मुझे अट्रैक्ट करता था। उस समय जो अच्छे घरों के बच्चे थे, वो अपनी गाड़ियों से आते थे, तो वैसे लाइफस्टाइल को देख के मैं बहुत रोमांचित हुआ और मुझे लगा कि ये इस प्रकार का लाइफस्टाइल मुझे भी चाहिए। तो 1 साल नौकरी की, और 1 साल नौकरी करने के बाद जब लगा कि जो मैंने देखा था वो तो सब यहाँ पे संभव नहीं है, नौकरी में नौकरी की अपनी लिमिटेशंस रहती हैं, हम सबको मालूम, मैंने बड़ी नजदीक से वो चीज इसलिए भी देखी थी क्योंकि हमारे परिवार में मैक्सिमम लोग नौकरी पे हैं, तो किस प्रकार की स्थितियां होती हैं, किस प्रकार से चीजें आगे बढ़ती हैं, वो मुझे बहुत अच्छे से मालूम था। बिजनेस करना चाहता था, बिजनेस की कोई बैकग्राउंड नहीं थी, बस एक काम किया, गांव छोड़ के मैं शहर में चला गया। मेरे मामा जी वहां पे कॉन्ट्रेक्टर थे, उनके साथ मैंने कुछ दिनों तक काम किया, और उसके बाद में वहीं पे रहते हुए मैंने केबल टीवी का एक नया बिजनेस उन दिनों स्टार्ट हुआ था, एज ए केबल ऑपरेटर मैंने केबल टीवी का बिजनेस शुरू किया। एक डिश एंटीना लगाते थे हम, उस समय 4 बाई 4 फुट की एक डिश एंटीना होती थी, और उसमें 4 या 5 चैनल चलते थे, वीसीआर होता था उन दिनों, एक मूवी दिखा लेते थे, और 150 रुपये एक घर पे हमें, एक घर से हमें मिलते थे। काफी अच्छा बिजनेस था, प्रॉफिटेबल बिजनेस था उन दिनों में केबल टीवी का बिजनेस। तो मैंने उस केबल टीवी के बिजनेस को किया और बहुत मेहनत की, वो टेक्निकल काम था और टेक्निकल चीजों की तो मैंने पढ़ाई नहीं की थी, लेकिन जब आप कुछ करना चाहते हैं तो आप सारी की सारी चीजें सीख जाते हैं। तो उस काम को मैंने सीखा और उसमें एक अच्छी इनकम में प्राप्त करना शुरू कर दी, और एक अच्छा नाम भी मेरा हो गया शहर में, जो हमारे केबल ऑपरेटर्स थे उनमें नाम हुआ। फिर हमने मिलके, हम सब लोगों ने एक बड़ा सिस्टम लगाया, जिसको हम लोग कंट्रोल रूम बोलते थे, एक कंट्रोल रूम बनाया, और वहां से जितने भी शहर में केबल ऑपरेटर थे उन सब ने, वहां से लाइनें गई उन सबके पास में, तो वो सब मैं कर रहा था केबल टीवी के बिजनेस में। लेकिन केबल टीवी के बिजनेस में मैं संतुष्ट नहीं था, सेटिस्फेक्शन नहीं था, पैसा तो था, सेटिस्फेक्शन 2-3 चीजों की वजह से नहीं था। एक वजह तो ये थी कि वहां पे टाइम फ्रीडम बिल्कुल भी नहीं थी, बहुत सारा समय देना पड़ता था, दिन में तो हम काम करते ही करते थे, रात में भी अक्सर काम करना पड़ता था, रात में कोई रोड के ऊपर में वायर बिछानी है तो वो रात में काम करना होता था, रात में अगर क्रिकेट का मैच चल रहा है तो लोग बहुत दीवाने थे मैच के, रात में ही उनका केबल खराब हो गया तो उनको रात में ही ठीक करके देना पड़ता था, तो उस प्रकार की सिचुएशन थी। तो एक तो टाइम फ्रीडम वहां बिल्कुल भी नहीं, और दूसरी जो प्रॉब्लम थी, दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि
केबल टीवी के बिजनेस में एक रिकग्निशन नहीं था उस प्रकार का जिस प्रकार का रिकग्निशन मैं चाहता था। केबल टीवी के बिजनेस में जब मैं उस एरिया से गुजरता था जहां मेरे केबल के कनेक्शन थे, तो लोग मुझे मेरे मेरे नाम से नहीं बुलाते थे, अपितु ये कहते थे केबल वाले इधर आना। और ये चीज मुझे बहुत तकलीफ देती थी, बहुत मुझे दुखती थी ये चीज। हर आदमी ये चाहता है कि उसको उसके नाम से और सम्मान के साथ में बुलाया जाए। मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा है कि मानव की विलासा है कि उसका नाम सफेद कागज में काले अक्षरों में, उसका नाम सफेद कागज पे काले अक्षरों में लिखा जाए और दुनिया उसको पढ़े। हर आदमी चाहता है कि उसके नाम से उसको बुलाया जाए, उसको रिकॉग्निशन मिले, लेकिन ये वहां पे था नहीं। तो ये भी एक कहीं ना कहीं मेरा एक कारण था जिसकी वजह से मैं केबल टीवी के बिजनेस से सेटिस्फाई नहीं था। और हमने वो कहावत सुनी है प्यासे कब्बे वाली, और उस कहानी का मोरल ये था, वे हर देर इज विल देर इज वे, जहां चाहत होती है वहां पे रास्ते निकल आते हैं। और उन्हीं दिनों जब ये सब मेरे दिमाग में चल रहा था कि कुछ और करना है कुछ और करना है, उन्हीं दिनों मेरे एक नजदीकी दोस्त ने मुझे कॉल किया और अपने घर पे बुलाया। और जब मैं उनके घर पे गया, वहां पे जाने के बाद में मुझे पहली बार RCM, ये तीन शब्द मुझे पहली बार एक होम मीटिंग में सुनने को मिले। और मार्केटिंग प्लान दिखाया गया, उस समय आरसीएम बिजनेस में बहुत ज्यादा कपड़े नहीं होते थे, तो बताया गया कि भाई एक बिजनेस है और इसमें 1500 रुपए के आपने कपड़े खरीदने हैं और आप बहुत बड़ा बिजनेस कर सकते हैं, 1000 रुपए महीना की इनकम आपको मिलेगी। तो मेरे बहुत सारे प्रश्न थे। मेरा सबसे पहला प्रश्न ये था कि जब आरसीएम बिजनेस में पैसा नहीं लगता, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो फिर पैसा आएगा कहाँ से और ये बड़ा बिजनेस कैसे हो सकता है? बड़े बिजनेस में तो बहुत सारा पैसा लगाना पड़ता है। ये मेरा पहला प्रश्न था। और उसके बाद भी बहुत सारी चीजें थी, मुझे लगता नहीं था कहीं दूर तक, क्योंकि मैं डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बहुत ज्यादा कुछ नहीं जानता था। लेकिन फिर भी अपने दोस्त को खुश करने के लिए, ओबलाइज करने के लिए मैंने आरसीएम बिजनेस को ज्वाइन किया। और चाइना में कहावत है कि 10 लोग मिलके जबरदस्ती करके एक घोड़े को पकड़ के तालाब के किनारे लेके जा सकते हैं, लेकिन 10 लोग जबरदस्ती करके घोड़े को पानी नहीं पिला सकते। और ये कहावत मनुष्यों पे भी निर्भर करती है कि कोई जबरदस्ती हमें कुछ भी काम करवाने की कोशिश कर सकता है, लेकिन जब तक हमारी इच्छा नहीं होगी तो हम नहीं करेंगे। तो आरसीएम बिजनेस में भी वही लागू होती है। आप किसी से जबरदस्ती नहीं करवा सकते, कोई दूसरा आपसे जबरदस्ती नहीं करवा सकता। जब हमारी इच्छा होती है तभी चीजें घटित होने लग जाती हैं। तो शुरुआत के 3 महीने तक मैं बहुत ज्यादा सीरियस नहीं था आरसीएम बिजनेस को लेके, लेकिन 3 महीने के बाद मेरी अपलाइन ने जो सबसे अच्छा काम किया वो ये किया, वो जबरदस्ती करके मुझे एक मीटिंग में लेके गए। और जब मैंने आरसीएम बिजनेस की एक बड़ी मीटिंग देखी, जहां मैंने बहुत सारे लोगों को अपने बारे में बातचीत करते हुए देखा, अपनी इनकम के बारे में बताते हुए देखा, और वहां के माहौल ने मुझे बहुत मोटिवेट किया, और पहली बार मुझे ऐसा लगा कि मुझे आरसीएम बिजनेस करना चाहिए। और वो एक मीटिंग मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गई है। उसी प्रकार से मेरा ये मानना है कि एक छोटी सी घटना आपकी जिंदगी को बदल देती है। आरसीएम बिजनेस में जितने भी कामयाब लीडर्स हैं, उन सभी लीडर्स की कहानी को जो आप नजदीक से जानेंगे, तो उसमें ये जरूर पाएंगे कि कोई ना कोई एक मीटिंग या कोई ना कोई एक घटना थी जो उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बना। और मेरा ये मानना है कि आज आप इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, आज आपका ये वीडियो देखना आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट हो सकता है, और हो सकता है आज के बाद आप आरसीएम बिजनेस को उस प्रकार सीरियस लेना स्टार्ट कर दें जिस प्रकार मैंने एक मीटिंग देखी थी, और मीटिंग देखने के बाद मैंने आरसीएम बिजनेस को सीरियसली लेना स्टार्ट कर दिया था। वहां से मेरी रियल आरसीएम बिजनेस की स्टार्ट हुई। जितना आसान मैंने सोचा था कि आरसीएम बिजनेस इतना आसान है, आराम से ये हो जाएगा, कपड़ा ही तो देना है अपने जानकार लोगों को, जिसको भी बोलेंगे ले ही लेंगे, इसमें क्या बात है, लेकिन ये उतना आसान मुझे लगा नहीं। मैं बहुत एक्साइटेड था आरसीएम बिजनेस में, लेकिन मेरी एक समस्या ये थी, जब मैंने काम करना स्टार्ट किया ना, तो मैंने ये पाया है मैं इस बिजनेस में बिल्कुल फिट नहीं हूँ। फिट क्यों नहीं हूँ? क्योंकि मैं बहुत शर्मीला संकोची स्वभाव का व्यक्ति था। किसी से मिलना जुलना बातचीत करना ये मेरे स्वभाव का हिस्सा नहीं होती थी। मुझे याद है शुरुआत के दिनों में मैं बहुत एक्साइटेड होकर किसी के पास में मिलने के लिए जाता था, और ये सोच के जाता था कि उसको प्लान दिखाऊंगा, ज्वाइन करवाऊंगा और उसके 10 लोगों से और मिलूंगा। लेकिन वहां पे जाने के बाद में चाय पी के मैं वापस आ जाता था, प्लान दिखाने के लिए बातचीत करने की मेरी हिम्मत नहीं होती थी।
लेकिन मुझे लगने लग गया था कि ये बिजनेस आने वाले समय में बिजनेस चलेगा, क्योंकि मार्केटिंग प्लान में जब तरीका बताते थे कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग में हमारा बहुत सारा पैसा एडवर्टाइजमेंट और मिडल मैन के पास में चला जाता है, और आरसीएम बिजनेस में वही पैसा हम लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो ये चीज मुझे बहुत मोटिवेट करती थी और मुझे लगता था कि आने वाले समय में ये जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत तेजी के साथ में काम करेगा। धीरे धीरे मैंने इस बिजनेस को सीखना स्टार्ट किया, सीखता चला गया, और सीखते सीखते मीटिंग अटेंड करते करते मुझे इस बिजनेस में मजा आने लग गया। पैसा तो बहुत नहीं आ रहा था लेकिन मजा आने लग गया शुरुआत में। और मैं अगर आप लोगों से ये पूछूं कि कितने लोग हैं जिनको आरसीएम बिजनेस करते हुए मजा आ रहा है, तो शायद बहुत सारे लोग यस बोलेंगे कि यस हमें भी मजा आ रहा है, हमें भी मजा आ रहा है। आरसीएम बिजनेस में पहले मजा आता है और उसके बाद में पैसा आता है, या मैं यूं कहूं कि जिसको जितना ज्यादा मजा आता है काम करने में उतना ज्यादा पैसा उसके पास में आरसीएम बिजनेस देना स्टार्ट करता है, तो शायद वो कोई गलत बात नहीं होगी। तो मुझे पैसा नहीं आ रहा था, मुझे मजा आ रहा था, अच्छा लगता था लोगों से मिलके बातचीत करके, और मैं इस बिजनेस में लगातार चलता चला गया। देखिए जिंदगी में अगर हमें बहुत सारा पैसा कमाना है और बहुत आनंद के साथ में कमाना है, तो आप डॉक्टर जितेन आड़िया की एक बातचीत याद रखिए। डॉक्टर जितेन आड़िया एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी हैं, गुजरात से हैं, माइंड पावर के ट्रेनर हैं, और मुझे मौका मिला उनके साथ में बातचीत करने का, उनका इंटरव्यू मैंने लिया। तो डॉक्टर जितेन आड़िया बड़ी अच्छी बात कहते हैं, वो कहते हैं कि आपने जिंदगी को जीना है, जिंदगी को जीना है, जिंदगी में मजे करने हैं, तो आप अपने प्रोफेशन को अपना पैशन बना लीजिए। आपका जो प्रोफेशन है यानी आपका जो काम धंधा है, जो भी आप करते हैं, उस काम को डूब के कीजिए, उसमें खो जाइए। पैशनेट, पैशनेट होने का मतलब है कि बिल्कुल उसमें डूब जाना एकदम बुरी तरह से। तो वो कहते हैं कि अपने काम को, अपने प्रोफेशन को अपना पैशन बना लीजिए आप, फिर जिंदगी में आप मजे करेंगे, आपको टेंशन नहीं रहेगी कभी भी। लेकिन ज्यादातर लोग ऐसा करते नहीं है। आंकड़े ये बताते हैं कि ज्यादातर लोगों को हार्ट अटैक सोमवार की सुबह आता है। तो सोमवार की सुबह क्यों आता है, जब इसकी डिटेल में गया तो ये पाया गया कि क्योंकि 2 दिन की छुट्टी के बाद में जब लोग नौकरी पे जाते हैं ना, तो वो नौकरी पे जाना नहीं चाहते हैं और उस तनाव के कारण उनको हार्ट अटैक आ जाता है। तो आंकड़े कुछ अलग बोल रहे हैं, तो शायद इसीलिए डॉक्टर जितेन आड़िया ने एक दूसरा विकल्प दिया। उन्होंने कहा कि अगर आप अपने प्रोफेशन को पैशन नहीं बना पा रहे हैं, तो दूसरा विकल्प ये है कि आपका जो पैशन है उसको अपना प्रोफेशन बना लीजिए। यानी आपको जिस काम में मजा आता है उस काम को इस तरीके से कीजिए कि उस काम के करने से आपको पैसा भी मिल जाए। जैसे हम में से बहुत सारे लोग क्रिकेट खेलते हैं या क्रिकेट में शौक रखते हैं, देखते हैं, टीवी पे सुनते हैं, लेकिन हमें पैसा नहीं मिलता। हमें क्रिकेट हमारा पैशन तो हो सकता है, हम लोग पैशनेट हैं क्रिकेट को देखने को, सुनने को, जानने को लेके, लेकिन चूंकि हमने क्रिकेट को अपना प्रोफेशन नहीं बनाया तो इसलिए हमें पैसा नहीं मिलता। डॉक्टर जितेन आड़िया ये कहते हैं कि आप अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बना लीजिए। कुछ लोगों ने क्रिकेट को, उनका भी पैशन था, उन्होंने उसको प्रोफेशन बना लिया। विराट कोहली ने क्रिकेट को अपना पैशन बना लिया। शुरू में उसने भी ऐसे खेलना स्टार्ट किया होगा, पेरेंट्स ने बोला होगा कि शायद ये चलो इसको खेल में डाल देते हो, खेलना स्टार्ट किया, और दूसरे बच्चों ने भी खेलना स्टार्ट किया। हिंदुस्तान में कितने, शायद कई लाख बच्चे क्रिकेट खेलना स्टार्ट करते हैं और उनमें से कुछ जल्दी छोड़ देते हैं, लेकिन कुछ बच्चे या उनके पेरेंट्स उनको लेके सीरियस होते हैं और वो उनको प्रोफेशनली क्रिकेट खेलना सिखाते हैं, उस प्रकार की कोचिंग देते हैं। तो विराट कोहली ने क्या किया, अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बना लिया और आज विराट कोहली बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं। और जितने भी स्पोर्ट्स वाले पर्सन हैं स्पेशली, तो वो इसी प्रकार से वो प्रोफेशनल है, प्रोफेशनल तरीके से खेलते हैं तो उनको बहुत सारा पैसा मिलता है। तो आपके पास में 2 विकल्प हैं सर। एक पहला विकल्प ये है कि आरसीएम बिजनेस को अगर आपने अपना प्रोफेशन माना है, आप इसको प्रोफेशनली कर रहे हैं कि भाई आपका करियर है या आपका प्रोफेशन है, तो इसको पैशनेट होकर कीजिए, मजे के साथ में कीजिए। आरसीएम बिजनेस से जुड़े हुए हर काम में आपको आनंद आना चाहिए, मजे की अनुभूति होनी चाहिए। जब आप लोगों से मिल रहे हैं ना, नए लोगों से, तो आपके अंदर एक रोमांच होना चाहिए कि मैं नए लोगों से मिलने जा रहा हूं।
आप जब जूम मीटिंग में आ रहे हैं, आप को यू नो डिजिटली बुलाया जाता है, तो आपके अंदर में एक एक्साइटमेंट होना चाहिए कि मुझे कुछ सीखने को मिलेगा। यानी आलसीएम बिजनेस से जुड़े हुए हर काम में आपको मजा आना चाहिए, प्रोफेशन के साथ में पैशन जुड़ना चाहिए। और अगर आपको आलसीएम में ऑलरेडी मजा आ रहा है, ऑलरेडी मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है, तो सिर्फ मजा मत कीजिए, मजे के साथ में आप प्रोफेशनल तरीके से आलसीएम बिजनेस को कीजिए। पैशन को प्रोफेशन के साथ जोड़ना है। फिर प्रोफेशन का मतलब क्या हुआ, आपको मजा तो आ रहा है, पैसा नहीं आ रहा लेकिन मजा आ रहा है, तो आप प्रोफेशनल ढंग से कीजिए। प्रोफेशनल ढंग का मतलब यह है कि जिस प्रकार एक प्रोफेशनल व्यक्ति नामों की सूची बनाता है, अपने जानकार लोगों के नाम लिखता है जिनको वो प्रोडक्ट सेल करेगा या अपने बिजनेस में उनको शामिल करेगा, उस प्रकार से सूची बनाइए, प्रॉपर डायरी में या एक्सेल पे बनाइए, और प्रोफेशनल व्यक्ति की तरह से उनसे कांटेक्ट कीजिए, उनसे बातचीत कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए प्रॉपर वे में। और अपॉइंटमेंट लेने के बाद में प्रॉपर वे में एक प्रोफेशनल व्यक्ति की तरह आपके पास में एक बिजनेस किट होना चाहिए, जिसमें सारे के सारे यू नो टेस्टिमोनियल हो, प्रोडक्ट हो, लिटरेचर हो, बॉडी स्कैनर की मशीन हो आपके पास में, वो पूरा प्रॉपर किट के साथ में जाके आप प्लान प्रेजेंटेशन दीजिए, बॉडी चेकअप कीजिए सामने वाले व्यक्ति का, और प्रॉपर तरीके से आप क्लोजिंग कीजिए। तो जिस प्रकार प्रोफेशनल व्यक्ति काम करते हैं, उसी प्रकार से हमें काम करना पड़ेगा अगर हमें मजा आ रहा है तो। सिर्फ मजे में बात नहीं बनेगी सर। तो मैंने भी यही करना स्टार्ट किया, पैशनेट तो था मैं, मजा तो मुझे आ रहा था, लेकिन प्रोफेशनलिज्म थोड़ा नहीं था। धीरे धीरे मैंने इसमें प्रोफेशनलिज्म लेना स्टार्ट किया और धीरे धीरे चीजें बदलने लग गई। लेकिन पहले अगर मैं कुछ सालों की बातचीत करूं, स्पेशली मैं शुरुआत के 2 सालों की बातचीत करूं, तो पहले 2 साल एक बहुत टफ टाइम मेरी जिंदगी का रहा। उस टफ टाइम में मैंने बहुत सारे चैलेंजेस को फेस किया। मैं नहीं चाहता था अपने शहर से बाहर जाके बिजनेस करना, लेकिन एक फौजी साहब छुट्टी पे आए, आते ही किसी ने उनको आरसीएम का प्लान दिखा दिया, फौजी साहब दीवानों की तरह आरसीएम बिजनेस करने लग गए। और जब वो 2 महीने की छुट्टी के बाद में वापस जा रहे थे, तो वो बहुत एक्साइटेड थे। ट्रेन में उन्होंने टीटी को मार्केटिंग प्लान दिखा दिया, जो टिकट चेक करने वाले रहते हैं, तो उनको मार्केटिंग प्लान दिखा दिया, और वो टीटी साहब को भी विजन आया, उन्होंने ज्वाइन कर लिया, और ज्वाइन तो कर लिया। और फौजी साहब ने क्या किया, उन्होंने मेरा नंबर टीटी साहब को दे दिया कि भाई मैं तो अभी बांग्लादेश बॉर्डर पे रहने वाला हूँ, वहां शायद फोन काम नहीं करेगा, ये मेरे प्लाइन है, कोई जरूरत हो तो इनसे बातचीत कर लेना। तो जो टीटी महोदय थे, उनके बार बार मेरे पास में फोन आने लग गए कि सर वो फौजी साहब हमें ज्वाइन करवा के चले गए, तो आप हमारी सहायता कीजिए, आप हमारे पास में आइए। मैंने कहा कहाँ पे आना है, तो बोले जी मालदा टाउन आना है। मैंने कहा जी मालदा टाउन मैंने तो सुना नहीं है, कहाँ पे पड़ता है। बोले जी वेस्ट बंगाल में पड़ता है, कैसे आना पड़ेगा। बोले जी ब्रह्मपुत्र मेल रेल चलती है दिल्ली से, शाम को 9 बजे चलती है, आप उसमें बैठिए और आप मैं सुबह यहाँ को आपको रिसीव कर लूंगा रेलवे स्टेशन पे। तो मैंने कहा जी चलो मैं देखता हूँ सोचता हूँ, तो ऐसे सोचा सोची करता रहा मैं। तो उनके बार बार फॉलो आते रहे, तो फिर मैंने डिसाइड किया कि चलो मैं चलता हूँ। तो मैं मालदा टाउन में गया, कब गया, जब मेरे पास में बहुत ज्यादा पैसा आलसीएम बिजनेस से नहीं आता था, रनिंग एक्सपेंसेस भी मुझे नहीं मिलता था। तो उस समय मैं मालदा टाउन में गया और वहां पे जाके मेरा जो मैं यूं तो नहीं कहूंगा वेलकम हुआ, फूल मालाओं से स्वागत किया गया, लेकिन वहां जो सज्जन मुझे मिले वो आज आलसीएम बिजनेस में स्टार सफायर के लेवल पे हैं, और उनका नाम है अवधेश कुमार सिंह। तो अवधेश कुमार सिंह से मेरी पहली मुलाकात हुई, और मैं रेलवे स्टेशन पे ही जो एक रूम होता है उस रूम में मैं वहां पे रुका, और पहली मीटिंग हुई। उस मीटिंग में कुछ लोग आए, और वहां से मैंने आउट ऑफ टाउन जाके, मतलब मैं चाहता नहीं था बाहर बिजनेस करना, तो वहां मेरा बिजनेस चला गया, और वहां पे मैं लगातार जाता रहा। लगातार जाता रहे का मतलब ये नहीं कि बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा था, बहुत ज्यादा लोग जुड़ रहे थे, जबरदस्त मीटिंगें हो रही थी, लेकिन मुझे अच्छा लगा, लोगों का कमिटमेंट लेवल मुझे दिख रहा था। और मैं मतलब अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा बार शायद किसी शहर में गया होगा तो मालदा टाउन में गया होगा, इतनी बार गया हूँ मैं वहां पर। और मुझे कुछ घटनाएं याद हैं। एक बार मैं गया, मतलब दिल्ली से ब्रह्मपुत्र मेल में गया, पैसा नहीं होता था जेब में बहुत ज्यादा, तो जनरल कंपार्टमेंट में मैं सफर तय करता था कि भाई पैसे बच जाएंगे। और
वहां पे जाने के बाद में मुझे बताया गया कि भाई इस बार हम लोग यहाँ टाउन में तो कोई मीटिंग नहीं करेंगे, शहर के बाहर छोटे छोटे जो गांव देहात के एरिया है वहां पे हम मीटिंगें करेंगे। तो मैं और मेरे साथी थे NH खान साहब, उनके पास में हीरो होंडा बाइक होती थी, तो उनकी बाइक पे मैं बैठा और बैठ के हम लोग गए मालदा टाउन। एक्चुअली एक बड़ा फेमस एरिया है, उसको सिटी ऑफ मैंगोज कहा जाता है। वहां बहुत सारे आम होते हैं, मालदा एक वैरायटी है, वो पर्टिकुलर वहीं पे होती है। हरे कलर का एक आम, हरा एक आम आता है और वो हरा ही मीठा हो जाता है। तो हम लोग गए मीटिंग के लिए, खान साहब के साथ में मैं था। तो कहीं पे हम पहुंचे तो किसी चौराहे पे किसी सज्जन से हमें मिलना था, वहां पे उन्होंने मीटिंग करवानी थी, तो वो टाइम पे आए नहीं। तो हम लोग इंतजार कर रहे थे, तो साथ में आम का बगीचा था, तो आम के बगीचे में बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, छोटे छोटे बच्चे, स्कूल के बच्चे। तो खेलने का मेरा बड़ा अच्छा शौक था। अभी भागवत जी ने फोटोग्राफ्स में भी आपको कुछ दिखाया, तो मैंने बोला, मैंने कहा खान साहब आप इंतजार कीजिए, मैं थोड़ा बच्चों के साथ में थोड़ा खेल लेता हूँ। तो मैं बच्चों के साथ में कम से कम 2 घंटे खेलाऊंगा क्रिकेट। तो मैं क्रिकेट खेला और उसके बाद में खान साहब ने बाइक वाइक दौड़ाई होगी इधर उधर, ढूंढे होंगे कि यार बेइज्जती हो जाएगी, चलो 2 4 लोगों को पकड़ के लेके आता हूँ। तो वो 2 4 लोगों को लेके आए वहां पे, और एक बड़ा अच्छा सा अनुभव मेरा रहा वहां पे अलग सा। तो वहां पे उन्होंने कैसे मीटिंग करवाई, वो एक गांव का एरिया था और वो एक चौक था एक्चुअली, वहां पे कुछ दुकानें बनी हुई थी, और वहां पे चौक के ऊपर में एक माइक लगा दिया गया, जैसे नेताजी आते हैं ना चौक पे और नेताजी भाषण देते हैं, तो उसी माहौल में वो माइक लगा दिया गया, पेड़ के ऊपर में माइक बांध दिया गया, एक मेज लगा दी गई, उस पे व्हाइट कपड़ा था और वहां पे ऐसे स्टैंड वाला माइक खड़ा, और मेरे को बोला जी आप बताओ RCM के बारे में। तो मैंने खान साहब को बोला धीरे से, मैंने कहा खान साहब बोर्ड चाहिए, ये क्या है? बोले नहीं सर, यहाँ तो ऐसी मीटिंगें होती है हमारे यहाँ बंगाल में। तो मैंने बताया, कुछ भी बताया, डोंट नो मैंने क्या बताया, लेकिन हाँ मैंने बताया, मैंने ये नहीं कहा कि मीटिंग नहीं होगी, मैंने कुछ वहां पे बताया। तो उस प्रकार की बहुत सारी घटनाएं जुड़ती चली गई, और ये सिलसिला जब जारी हुआ, 2 साल बीत गए, 2 साल के बाद में मैं कैसे दोराहे पे खड़ा हो गया आके। मैंने जब हिसाब किताब लगाया 2 साल का, तो हिसाब किताब में मैंने ये पाया कि मैं 2 लाख रुपए का कर्जदार बन गया हूं। मैंने 2 लाख रुपया फाइनेंस लिया हुआ है किसी फाइनेंसर से, और उसका मुझे हर महीने ब्याज भी देना होता है, और वो पैसा जो मैंने लिया वो घर वालों की सहमति के बिना लिया, घर वालों को बताए बिना लिया, और जिस व्यक्ति से लिया था वो बार बार ये कह रहा था कि भाई मेरा पैसा वापस करो वापस करो, और मुझे डर इस बात का था कि अगर मैंने वो वापिस पैसा नहीं लौटाया तो इन्होंने अगर घर वालों को ये बात बता दी तो घर वालों को बहुत बुरा लगेगा, और उनको ये लगेगा कि हमारे से बगैर पूछे तुमने इतना स्टेप उठा लिया। तो वो चीज मुझे बहुत पीड़ा दे रही थी, और मुझे लगता था कि मैं RCM बिजनेस छोड़ूं या करता रहूं, एक ऐसी सिचुएशन में मैं खड़ा था। और मैं बाकी सभी साथियों को भी ये कहना चाहता हूं, देखिए आपको RCM बिजनेस करते हुए कितना टाइम हो गया, मुझे नहीं मालूम आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है, आई डोंट नो, फैमिली में किस प्रकार का सपोर्ट है वो भी मुझे नहीं मालूम है। आप भी शायद कई बार ऐसी जगह पे खड़े होंगे जब आपको लगेगा कि आप इसको छोड़ें, आप इसको करें। मैं भी उसी जगह पे खड़ा था, और उस समय मैं ऊपर वाले का धन्यवाद करता हूं हमेशा कि उसने मुझे प्रेरित किया कि मैं लगातार इस बिजनेस को करता रहूं। कहीं ना कहीं मुकेश कोठारी जी की वो स्पीच मुझे मोटिवेट करती थी, जिसमें वो कहते थे कि RCM बिजनेस चाइनीज बंबू की तरह काम करता है। चाइना में एक पेड़ होता है जिसको चाइनीज बंबू कहते हैं, जब उसको जमीन में लगाया जाता है तो शुरुआत के कई महीनों तक वो जमीन के अंदर अपनी जड़ों का विस्तार करता है, वो बाहर निकलता नहीं है, लेकिन जब उसकी जड़ों का विस्तार हो जाता है और जब वो जमीन से बाहर निकलना स्टार्ट करता है तो फिर वो बहुत तेजी के साथ में बढ़ता है और बहुत बड़ा पेड़ बन जाता है। पेड़ तो नहीं कहेंगे, वो बांस होता है, तो वो बहुत लंबाई तक जाता है, बहुत हाइट तक जाता है। तो कोठारी साहब कहते थे कि RCM बिजनेस भी चाइनीज बंबू की तरह काम करता है। शुरुआत में हम लोग सीखते हैं, टीम बनाते हैं, लोगों को सिखाते हैं, और हमें लगता है कि हमें परिणाम नहीं मिलते हैं, लेकिन जिस दिन ये चाइनीज बंबू अपनी जड़ों को मजबूत कर लेगा, यानी आपका डुप्लीकेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, और जब ये मल्टीप्लाई करेगा तो बहुत तेजी के साथ में ग्रो करेगा। तो शायद कोठारी साहब की उस बात ने मुझे मोटिवेट किया
बीसी छाबड़ा, केसी छाबड़ा जैसे बड़े लीडर्स को जब हम लोग सुनते थे, आरसीएम बर्नर्स को लेकर उनका कमिटमेंट और विजन जब देखते थे, शायद उन्होंने कहीं ना कहीं प्रभावित किया, किताबों ने शायद कहीं मुझे मोटिवेट किया होगा कि हर आदमी ने संघर्षों से वो निकला है और चैलेंजेस उसकी जिंदगी में आए हैं, और मैंने डिसाइड किया कि मैं लगातार आरसीएम बर्नर्स को करता रहूंगा। और 2 साल के बाद में स्थितियां थोड़ी बेटर हुई, एट पार की इनकम में मैं पहुंचा, एट पार मतलब जितना खर्चा होता था उतना पैसा आने लग गया, और उसके बाद में धीरे धीरे चीजें बदलने लग गई। एक घटना और मुझे अच्छे से याद है, वो भी मालदा टाउन से ही उसका संबंध है, और मुझे अच्छे से वो घटना याद है। मैं मालदा टाउन में था, अवधेश कुमार सिंह बाइक चला रहे थे, यमा बाइक थी उनके पास में, और मैं पीछे बैठा हुआ, और हम लोग एक मीटिंग के लिए जा रहे थे। वो लोकेशन मुझे अच्छे से याद है, वहां पे एक चौक था पुल के नीचे, उस चौक के आसपास में कहीं हम थे। नया नया मैंने मोबाइल फोन लिया था, और घर से फोन आता है श्रीमती जी का, मैंने फोन रिसीव किया तो श्रीमती जी की आवाज में थोड़ा सा गुस्सा था। उन्होंने कहा, कहाँ पे हो? मैंने कहा, मालदा टाउन। आपको मालूम है आज क्या तारीख है? मैंने कहा, हाँ मालूम है, 28 नवंबर है, और अभी शाम को मीटिंग होने वाली है, मीटिंग में ही जा रहे हैं हम लोग। तो उसके बाद उन्होंने थोड़ा सा निराश होकर ही बोला, आपको ये तो याद है कि आज मीटिंग है, लेकिन आप ये भूल गए आज हमारी शादी की सालगिरह है। तो उनकी बातों ने मुझे भी इमोशनल कर दिया थोड़े टाइम के लिए। मुझे लगा कि यार नहीं, इतना पागलपन तो नहीं होना चाहिए कि शादी की सालगिरह जैसी जो इम्पोर्टेंट चीज है वो भी मुझे याद नहीं रही। मैं इतना तो मतलब मैं इतना पागल हो गया क्या आरसीएम बिजनेस में? लेकिन मैंने अपने आप को थोड़ा संभाला और मैंने उनको कहा कि थोड़ा टाइम और रुक जाओ, जिस दिन 5 साल हो जाएंगे ना पूरे आरसीएम बिजनेस करते हुए, उस दिन हम लोग शादी का केक काटेंगे, और छोटी मोटी जगह नहीं काटेंगे, ताज होटल में काटेंगे। मुझे नहीं मालूम था ताज होटल कैसा होता है, ताज का बस नाम सुना था कि ताज होटल में केक काटेंगे। और जिस दिन 5 साल हो गए थे कॉन्शियसली, 5 साल के बाद में मैं और सुदेश हम लोग गोवा गए, और गोवा के ताज होटल में हम लोगों ने केक काटा। हम लोग वहां पे रहे 4-5 दिन के लिए, बहुत एंजॉय हम लोगों ने किया। तो मैं आप सबको ये कहना चाहता हूँ, आरसीएम बिजनेस में देखिए, ये बिजनेस उन लोगों का बिजनेस नहीं है जो जॉब एटीट्यूड के साथ में इस बिजनेस को करते हैं कि भाई काम किया तो, जैसे नौकरी में रहता ना कि हमने काम किया और अगले महीने तनख्वाह मिलनी चाहिए, और नहीं मिली तो फिर 1-2 महीना भी लेट हो गया तो हम लोग कंपनी छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो आरसीएम बिजनेस उन लोगों के लिए डिजाइन किया गया है जो लोग विजन के साथ में काम कर सकते हैं, यानी आज काम करेंगे लेकिन आज काम करने का फायदा 1 साल 2 साल 5 साल बाद में उनको क्या मिल सकता है, इस सोच के साथ जो लोग काम करेंगे उनके लिए बिजनेस डिजाइन किया गया है। क्योंकि ये फ्यूचर का बिजनेस है, ये भविष्य का बिजनेस है। वर्ल्ड फेडरेशन डायरेक्ट सेलिंग की रिपोर्ट ये कह रही है कि आने वाले समय में डायरेक्ट सेलिंग में हिंदुस्तान जो है लीड करेगा दुनिया को। जो डाटाज हैं, जो सीएजीआर है हिंदुस्तान का पिछले 3 साल का, वो 16.1% है, जो दुनिया में ऑलमोस्ट हाईएस्ट है। और उस सीएजीआर के तहत हिंदुस्तान और दूसरे देशों ने अगर आगे इसी स्पीड में आगे बढ़े तो 2037 आते आते हिंदुस्तान दुनिया में सबसे ज्यादा डायरेक्ट सेलिंग का कारोबार करने वाला देश बन जाएगा। तो डायरेक्ट सेलिंग संभावनाओं का बिजनेस है और विजन का बिजनेस है। तो आप भी कोई कमिटमेंट कीजिए कि भाई इतने साल तक, देखिए बड़ी अगर प्राप्ति चाहिए ना सर, आप सारी चीजों को साथ में लेके नहीं कर सकते। अगर महात्मा गांधी जी ने ये सोचा होता कि यार बच्चों का अगर जन्मदिन नहीं मनाया तो कस्तूरबा जी नाराज हो जाएंगी, तो देश को आजादी नहीं मिलती। अगर भगत सिंह जी ने ये सोचा होता कि मेरे शहीद होने के बाद में माता जी का कौन ख्याल रखेगा, तो शायद देश को तब भी आजादी नहीं मिलती। वो देश की आजादी की बातचीत हो या हमारी अपनी खुद की आजाद फाइनेंशियल फ्रीडम की बातचीत हो, तो आपको संघर्ष तो करना पड़ेगा और आपको मरने मिटने के लिए, खपने के लिए, भूलने के तैयार रहना पड़ेगा, तभी बड़ी प्राप्तियां होती हैं, हर क्षेत्र में होती हैं। तो एक तो मैं अब तक की अपनी कहानी से आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर आपको बड़ा अचीवमेंट लेना है आरसीएम बिजनेस में, अगर आरसीएम में आप डायमंड बनना चाहते हैं, तो आपको कुछ समय, मैं मेरी एक ऑडियो भी थी 45 साल या 5 साल, उसमें मैंने
इसी चीज पे जोर दिया था कि आप नौकरी करें या ट्रेडिशनल बिजनेस करें, आपको 45 साल तक करना पड़ेगा, और 45 साल करने के बाद में रिटायर हो जाएंगे। रिटायरमेंट का मतलब ये नहीं कि आपको फिर बहुत सारा और पैसा मिलने लग जाएगा, लेकिन आरसीएम बिजनेस को अगर आपने तरीके से, ढंग से, कमिटमेंट से 5 साल अगर कर लिया, तो 5 साल एक बार काम करने के बाद में आपकी जिंदगी एक अलग तरह की जिंदगी बन जाएगी, और जिंदगी की जो जो आपके सपने हैं वो सारे पूरे होते आपके चले जाएंगे। तो आज फिर ये ऑडियो कब बनाया था, ये बॉम्बे की रिकॉर्डिंग है, शायद 2002 या 3 में, आज से 18 साल पहले शायद ये रिकॉर्ड हुई होगी ऑडियो, लेकिन आज 2021 में मैं वही बात कह रहा हूँ कि अगर आपने 5 साल तक तबीयत के साथ में आरसीएम बिजनेस को दे दिया, तो आपको वो सब मिल जाएगा जो आज आप सोच सकते हैं वो भी मिल जाएगा, और जो आज आप सोच नहीं सकते हैं वो भी मिल जाएगा। क्योंकि आज आरसीएम बिजनेस ने जो मुझे दिया है वो मैं कल्पना नहीं कर सकता था 2001 में जब मैंने आरसीएम बिजनेस को ज्वाइन किया। मुझे मालूम नहीं थे कि मर्सिडीज बेंज नाम की कोई गाड़ी होती, ब्रांड होती है। हमारे वहां तो मारुति 800 होती थी बस। मारुति 800 मतलब दुनिया की सबसे बढ़िया गाड़ी, घर का मतलब पक्का घर हो, फर्श जो है वो पत्थर का हो बस, वो बढ़िया घर। तो वहां की बैकग्राउंड में आप बड़े सपने नहीं सोच सकते, लेकिन ये आलसम बिजनेस की खूबी है कि आलसम बिजनेस ने 5 साल के बाद में मेरी पूरी जिंदगी को एकदम से बदल के रख दिया था। जो चीजें मैंने सपने में भी नहीं सोची थी वो सारी की सारी चीजें आरसीएम बिजनेस ने उस समय मुझे देना स्टार्ट कर दी थी, और अपलाइनों के आशीर्वाद से, ऊपर वाले की कृपा दृष्टि से, टीसी छाबड़ा सर के विजन की वजह से, आज ये जिस प्रकार का लाइफस्टाइल आरसीएम के लीडर जीते हैं, स्पेशली डायमंड का जो लाइफस्टाइल होता है वो एक अल्टीमेट लाइफस्टाइल होता है जिसको मैं एंजॉय कर रहा हूँ, जहां पे आपको ना अजीब तरह का एक आनंद आता है, अलग तरह का सुकून मिलता है।